नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग के कॉन्टिन्यूशन में ही है, जहाँ पे हस्बैंड गए हुए हैं अपने गांव। तो मैंने थर्सडे और फ्राइडे लास्ट व्लॉग में कवर किए हुए हैं, यहाँ पे मैं आगे के डेज कवर करूँगी। तो आज है सैटरडे और सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग ही है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे और आज बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरस होने वाली हैं। तो सुबह सुबह घूमने निकले हैं बच्चों को लेकर के और यहाँ पे दिख गए उनको हिसालू। हिसालू हिमालयन येलो बेरीज होती हैं, वहाँ पे झाड़ियों में बहुत सारी दिख जाती हैं इस टाइम पे, हमेशा नहीं होती लेकिन इस टाइम पे दिख जाती हैं गर्मियों में। तो ये इसी समय पे गए थे तो यहाँ देखिए बहुत सारी बेरीज इन्होंने तोड़ ली हैं। बचपन की बहुत सारी यादें हैं हर चीज़ के साथ, तो करने में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे वो। और यहाँ पे उनको काफल भी मिल गए थे, ये पेड़ है, नीचे की तरफ तो नहीं थे ज़्यादा काफल लेकिन इस तरीके से चढ़े ये काफल तोड़ने के लिए और बिल्कुल एडवेंचरस वे में पूरे पेड़ पे ही चढ़ गए थे अच्छे से। वहाँ से ऊपर से इन्होंने तोड़े हैं ये लाल लाल, तो थोड़े बहुत खाने लायक तो मिल ही गए हैं बच्चों को और अपने लिए। घर लेकर के आए हैं तो यहाँ पे प्लेट में इन्होंने लगा दिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके ना इनका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो बस अभी ये खाएंगे और ये है शाम 4:30 या 5 बजे का टाइम, जब बारिश शुरू हो गई थी वहाँ पर। तो ये दीदी का ही घर है, नानू का, वहीं पे आ गए थे ये वापसी। तो इस समय बारिश हो रही थी और बारिश होने के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। इवन तो वहाँ पे सुबह शाम का मौसम तो बहुत अच्छा है अभी गर्मियों में, दिन में थोड़ा सा गर्मी रहती है। उसके बाद शाम के वक्त बारिश बंद होने के बाद ये लोग गए थे नैतना देवी मंदिर और ये नैतना देवी मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। तो सभी लोग गए थे, चाचा जी हैं और उधर से हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो दो ही गाड़ियां थी, एक इनकी अपनी और एक चाचा जी की। तो ये यहाँ पे शुरुआत में ना जब मंदिर का रास्ता शुरू होता है, एक ये छोटी सी शॉप है, प्रसाद वगैरह सब कुछ यहीं से मिलता है और यहीं पे बैठ कर के आप चाय वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो प्रसाद लेकर के ये ऊपर की तरफ चले थे। तो ये है नैतना देवी मंदिर का प्रमुख द्वार, यहाँ से इतना ऊंचाई है ना कि व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर दिखता है हिमालय का और नीचे गाँव का, पहाड़ों का। तो ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री होती है। काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर है तो सनसेट सनराइज बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं यहाँ पे। और ये है मंदिर का कैंपस, तो यहाँ पे जो ये पहला ही मंदिर है ये है हनुमान जी का। काफ़ी सारे मंदिर और भी हैं, तो ये लोग शायद जिस समय पहुँचे तो मंदिर बंद हो चुका था उस समय तक, तो बाहर से ही दर्शन किए थे। और ये है माता रानी का दरबार, बाहर से ही दर्शन किए इन लोगों ने, अंदर तो आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। तो शाम को पहुंचे थे तो आई थिंक शाम को शायद सब ताला लगा देते हैं यहाँ पे पुजारी जी। और ये है भैरव जी की प्रतिमा यहाँ पे, भैरव जी का मंदिर। अजमेर का है सब, वो भी जेट का है ना, बीच का है, माजिल का है, सेकंड नंबर का है, कैसा मतलब है तू क्या कैमरा चे मेरे खड़ूस का। तो इसी तरीके से बातें करते हुए गप्पे मारते हुए नीचे की तरफ उतर जाएंगे सभी लोग। और रास्ता देख लीजिए ऐसा है, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं एक्चुअली, ये बिल्कुल प्लेन रोड नहीं है, ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं हमेशा। तो रास्ता ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ऐसा ही है। और आते समय गाड़ी चाचा जी ने ड्राइव की थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था इस समय पे, बारिश ने तो एकदम समा बांध दिया था। सुबह शाम का एकदम मौसम बहुत बढ़िया था। और ये है शाम का टाइम, ऑलमोस्ट नाइट हो गई थी। तो दादाजी बैठे हैं बच्चों को लेकर के और यहाँ पे हैं लक्ष्मी चाची, राधा भाभी और चाचा जी। खाने पीने का सारा मैनेज इन्हीं लोगों ने किया था, तो शायद तीनों टाइम का खाना इस तरीके से वही मैनेज कर रही थी।
और इट इज़ जस्ट नेक्स्ट डे यानी संडे। तो सुबह हो गई है, चाय वाय यहाँ पे इंजॉय की जा रही है और आज पार्थ को ले जाएंगे पापा थोड़ा सा बाहर घुमाने। आज ही के दिन भंडारा वगैरह भी है तो वो भी मैं आगे कवर करूंगी। तो यहाँ पे पापा लेकर के आए हैं कुकू को उनका स्कूल दिखाने के लिए। तो ये है स्कूल का कैंपस, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग है और वहाँ पे ना असेंबली ग्राउंड है, ऊपर प्रार्थना स्थल बोलते हैं जिसको, ऊपर की तरफ है और इस तरफ राइट साइड में है ये लेबोरेटरीज जो होती है साइंस की केमिस्ट्री की। तो ये है, तो ये अलग अलग तरीके की बिल्डिंग है, उधर भी एक है इधर भी एक है और लास्ट में भी एक है। और ये नीचे की तरफ जो है ना ये पूरा प्ले ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल वगैरह बच्चे खेलते हैं। और ये सब दिखाने के बाद तो काफ़ी सारी उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं तो वो सोचते हैं कि पार्थ को भी मैं दिखाऊं, बच्चों को दिखाऊं ताकि उनको भी अच्छा लगे। उसके बाद ये जा रहे थे अपने ताई जी से मिलने, काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 20 से 25 साल हो गए थे। और रास्ता इतना कंफ्यूजिंग था क्योंकि रास्ते चेंज हो गए हैं, थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, तो ये ना एक्चुअली रास्ता भूल गए थे कि किधर से जाना है। एंड ही गॉट द वे, रास्ता मिल गया था और फिर ये पहुंचे ताई जी के यहाँ। तो आगे मैं फोटोग्राफ्स में दिखाऊंगी उनको। तो फिलहाल ये पहुंच गए हैं उनके घर। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, तो पूजा वगैरह सब काफ़ी दिनों से चल ही रहा है। तो अभी सारे लोग गोरखनाथ जी की भूमि से ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वैष्णो मंदिर की तरफ। तो जितना भी पूजा भंडारा वगैरह रहेगा तो वो वही होगा। तो ये वही जगह है जहाँ पे मैंने फर्स्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, गाड़ी वगैरह पार्क करके नीचे गाँव की तरफ निकले थे। तो नीचे की तरफ नहीं आना है, नीचे से अब ऊपर की तरफ, वो सामने आप देख रहे हैं वैष्णो मंदिर है। तो सारा कुछ पूजा वगैरह हवन वही होगा। तो ये मंदिर आ चुके हैं हम, यहाँ पे दो तीन देवी देवताओं की मूर्ति है, तो वैष्णो भी है और काली मंदिर भी है। ये है वही मंदिर से नीचे का व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था जहाँ पे पार्किंग एरिया था ना, गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके नीचे की तरफ गांव जाते हैं, नीचे की तरफ गाड़ी नहीं जा सकती ना तो ऊपर ही खड़ी कर देते हैं। तो वो नीचे रास्ता था और यहीं से मैं दिखाती हूँ आपको क्लोजअप में। ऊपर है ये नैथना देवी मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ऊपर पहाड़ पे। कूलर का पेड़ तो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाया था, तो यहाँ मंदिर पे भी है। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना तो दोनों के दोनों यहाँ पे, छोटा सा पीपल का पेड़ मिल गया था, यहाँ बैठ गए हैं। तो भजन कीर्तन वहाँ ऊपर वैष्णो मंदिर में चल रहे थे, तो अभी चलते ही रहेंगे काफ़ी देर तक। तो ये लोग आए थे नीचे, गोरखनाथ जी की धुनी है जहाँ पे भंडारा प्रसाद वितरण सारा कुछ यहीं पर हुआ था। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और ये लोग शायद बहुत टाइम के बाद पहुँचे थे, देरी हो गई थी नेक्स्ट बैच का, जब प्रसाद बनने लगा था तब ये लोग आए थे। तो इस समय पर आप कम ही लोगों को देख पा रहे हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने मुझे बताया था। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट ये लोग आए थे क्योंकि यहाँ पे ना बैठने का जितना भी एरिया है तो पूरा कवर था, तो इसीलिए ये लोग थोड़ा सा लेट ही पहुँचे थे यहाँ पे।
अभी ला रहे बेटा, अभी रुक जाओ, वेट कर लो। तो प्रसाद यहाँ पे मिल गया है पार्थ को भी और उसके पापा को भी, तो हलवा पूरी वगैरह यही सब कुछ था। तो प्रसाद वगैरह खाने के बाद उसने पापा से जिद करी कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है उसे, और ये लोग यहाँ पे आम की छांव के नीचे बैठ गए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ये है हमारे छोटे भाई दिनेश पुरोहित, बड़े भाई पुरोहित जी के साथ है। हाँ जी, तो हम यहाँ इन्हीं के घर में बैठे हुए हैं, अड्डा मार करके हाईजैक करके बैठे हुए हैं सब। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, 5 बजे के आसपास का टाइम है, जल्दी उठ गए थे क्योंकि अब निकलना है देहरादून के लिए। बच्चे भी सो रहे हैं, चाचा जी भी सो रहे हैं, चाची जी चाय पी रही है, चाय पी रही है, मैचिंग मैचिंग हो रही है, चाची और भतीजा ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबको नमस्कार। अब चलने का टाइम हो गया है, सामने मेरी जेठानी जी हैं, ये राधा भाभी और चाची जी वगैरह सबको प्रणाम कर दिया है। चाचा जी उस समय सोए हुए थे, और ये हैं पड़ोस के सारे दोस्त जितने भी थे, उनके मम्मी पापा, तो उनसे भी मुलाकात ही करते हुए आए थे और ऊपर की तरफ चल दिए हैं अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और सामने जो देहरादून वाले भैया हैं ना वो खड़े हैं। तो ड्राइव करके ये ही लेकर के आए थे देहरादून, क्योंकि इनको आना था, तो 50-50 ड्राइविंग की थी इन लोगों ने। तो अब बस चल दिए हैं देहरादून की तरफ। नानू के घर पहुंचे हैं, जो मेरी ननद का घर है कौशल्या दीदी उनके यहाँ। तो आते समय भी पहले यहीं रुके थे, तो जाते समय भी पहले रुके हैं यहाँ पे, सबसे मुलाकात करके फिर निकलेंगे। और ये जगह को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, यहाँ पे फूफा जी दे रहे हैं पार्ट को स्ट्रॉबेरी, उनके यहाँ स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगा हुआ है, लास्ट टाइम भी था तो उसमें दो स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। बाय। सामने नानू है, ये भी आया हुआ है अपने घर और भी कुछ टाइम तक रहेगा यहाँ पे, वापसी में वो नहीं आया था। उसके बाद ये सुबह का ही टाइम था क्योंकि जल्दी निकले थे ये लोग, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, तो रास्ते में रुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये है, मैं आपको रोड दिखा देती हूँ, सामने की तरफ जो है कर्णप्रयाग के लिए रोड जाती है, और ये वाला जो रास्ता है लेफ्ट साइड में ये भराड़ी सैंड के लिए जाता है, और राइट की तरफ से जो रास्ता है ये एक्चुअली तिराहा है, तो राइट से चौखुटिया के लिए रास्ता आता है, तो ये लोग राइट की तरफ से आए हैं। तो ये रेस्टोरेंट में ये लोग बैठे हैं यहाँ खाना खाने के लिए अभी। उसके बाद ये चल दिए थे आगे की तरफ, और तो अब ये रुकेंगे सीधे आदि बद्री धाम, और चलते चलते मैं आपको आदि बद्री जी के दर्शन भी करा देती हूँ। ये जो मंदिर है ये चमोली जिले में पड़ता है गैरसैंण से आगे, और ये पंच बद्री में से एक बद्री है। यहाँ पे 14 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति है, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, मान्यता बहुत ज़्यादा है इस मंदिर की। कहते हैं कि बद्रीनाथ जी 6 महीने यहाँ विराजमान होते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ धाम में, तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो वापसी में इन्होंने डिसाइड किया कि आदि बद्री जी के दर्शन भी किए जाएं, तो मैं आपको भी उनके दर्शन करा देती हूँ आज। मंदिर के अंदर का तो कुछ भी अलाउड नहीं था फोटोग्राफी करना, तो जितना भी है बाहर से ही सब कुछ दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। और बिल्डिंग जितनी भी आप देख रहे हैं ना मंदिर की, आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन ये है। नए तरीके का जो भी डिज़ाइन होता है वो नहीं है, ये पूरा बिल्कुल पुराने ज़माने का डिज़ाइन है इस मंदिर का। तो अलग अलग 14 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अन्नपूर्णा माता है, सत्यनारायण भगवान जी हैं, लक्ष्मी नारायण है, और कुबेर भगवान है, तो इस तरीके से अलग अलग हैं, नाम मुझे एग्जैक्टली सबके याद नहीं है। तो बस यहाँ से दर्शन करने के बाद ये लोग निकलेंगे आगे के लिए, और उसके बाद जितना भी पड़ाव में आगे रहेगा व्यू पॉइंट्स वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे है माँ धारी देवी का मंदिर, सामने से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर ये लोग नहीं गए थे तो मैं बिल्कुल फ्रंट लुक दिखा रही हूँ आपको।
अब हो गया है दोपहर का टाइम और ये लोग रुके हैं यहाँ बीच में एक रेस्टोरेंट पर, लंच करेंगे यहाँ पे। और पार्थ का लंच से पहले चल रहा है एपेटाइजर, यानी कि आइसक्रीम खाई जा रही है और एक एक से उसकी बात बनती नहीं है, तो दो तीन ले रखी है उसने। तो लंच की प्लेट आ गई थी यहाँ पे। लंच वंच करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर ये लोग निकले हैं आगे और अब बीच में टी ब्रेक लेंगे ये और उसके बाद फिर सीधे घर। तो काफ़ी अच्छी रही ये इनकी जर्नी, काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करूँ गांव में जा कर के। चाइल्डहुड मेमोरीज़ हमेशा ही बहुत अटैचेबल होती हैं, दिल के साथ होती हैं। तो इनको भी मौका मिल गया 4-5 दिन इतने टाइम के बाद वहाँ रहने का। पार्थ को उन्होंने सब कुछ दिखाया, जितने भी वहाँ उन्होंने बचपन में फ्रूट्स खाए हैं, काफल हसालू जो हिमालयन बेरी मैंने आपको बताया, वो अपना स्कूल दिखाया और पूजा वगैरह किस तरीके से होती है वहाँ गांव में। उन्होंने अपने दोस्तों से मिलवाया, ताईजी वगैरह सबसे, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और घर में आकर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आगे देखिए कब टाइम मिलेगा, उसके बाद ही जाना होगा। और बस पहुँच गए हैं घर और यहाँ पे है घर आने की खुशी। और इनका इंतज़ार तो सबको हो रहा था कि ये कब मिलेंगी मैडम। तो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।